18वीं सदी की कट्टरपंथी मानसिकता से सऊदी अरब उबर नहीं पाया है। हाल ही में सऊदी में महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत मिली है, लेकिन आदम के जमाने के सोच वाले वहां के कुछ पुरुषों को महिलाओं का कार चलाना खटक रहा है। खबर के अनुसार सऊदी अरब के पवित्र मक्का प्रांत में कुछ लोगों ने एक महिला की कार को आग के हवाले कर दिया। कार में आग लगाने से पहले वो महिला को कार न चलाने के लिए धमका चुके थे। सऊदी के प्रमुख अखबारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कार जलने का वीडियो और फोटो वायरल है। गल्फ न्यूज के अनुसार मक्का की रहने वाली सलमा अल शरीफ ने स्थानीय समाचार पत्र ओग्ज को बताया कि पिछले महीने बैन हटने के बाद उन्होंने कार चलानी शुरू की थी, क्योंकि उनकी आधी सैलरी ड्राइवर को देने में खर्च हो जाती थी। नई कार लेने के बाद सलमा अपने बुजुर्ग माता पिता को कहीं ले जाने में मदद करने लगी, लेकिन सऊदी के कट्टरपंथी उनकी कार से जलने लगे। बुधवार के दिन दो लोगों ने उनकी कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। सलमा की आंखों के सामने ही उनकी कार जल गई। सलमा ने कार जलने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला मीडिया में आने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मक्का के उपराज्यपाल ने जांच पूरी होने तक सलमा को दूसरी गाड़ी दे दी है। उधर पुलिस का कहना है कि महिलाओं का ड्राइविंग का अधिकार देने के कदम का काफी पुरुष समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कुछ को ये बदलाव रास नहीं आ रहा। कट्टरपंथियों का कहना है कि महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार देना खुदा की मर्जी के खिलाफ कदम उठाने जैसा है। बता दें, सऊदी में 24 जून को ऐतिहासिक फैसले के तहत महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार दिया गया था। इंटरनेशनल डेस्क, भारत तक।